नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज आप तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। वक्त है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों का। खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करें। आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं कुंडा से, जहां पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। स्वास्थ्य कर्मियों ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले दो युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। महेशगंज थाना इलाके के नरियावा गांव निवासी रामेश्वर 2 वर्ष पूर्व घर से गायब हो गए थे। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कहीं पता नहीं चल सका था। इसी बीच गांव के एक युवक ने उनके नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया, जो 4 जनवरी 2022 को CSC कुंडा से जारी किया गया। इसकी भनक जब रामेश्वर के परिजनों को हुई तो वह दंग रह गए। परिजनों ने अधिवक्ता के साथ CSC कुंडा पहुंचकर प्रमाण पत्र की बाबत जानकारी लो तो प्रमाण पत्र सही निकला, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने ऐसे किसी प्रमाण पत्र के जारी होने से इनकार कर दिया। जब CSC के डाटा एंट्री ऑपरेटर शिवशंकर मौर्य ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि बगैर उनकी जानकारी के 70 प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों ने जारी हुए प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू किया तो फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में महेशगंज थाना इलाके के पंडित कपूरवा भैसाना गांव निवासी सत्येंद्र कुमार पाल और संग्रामगढ़ थाना इलाके के सूदनपुर निवासी लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता का नाम प्रकाश में आया, जिसके बाद दोनों को CSC कुंडा बुलाया गया, जहां पर पूछताछ में दोनों ने प्रमाण पत्र जारी करवाने की बात स्वीकार कर ली। पकड़े गए दोनों युवकों ने कुछ और लोगों का नाम भी स्वास्थ्य कर्मियों को बताया। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को पकड़कर कोतवाली ले गई, जहां पर पूछताछ की जा रही है। अगली खबर भी कुंडा कोतवाली इलाके से है, जहां पर पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने पति व दरोगा ससुर समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कुंडा कोतवाली इलाके के टिकरिया बुजुर्ग गांव निवासी मोहम्मद आजम ने अपनी बेटी सल्तनत बानो की शादी गांव के मुजम्मिल हुसैन के बेटे मेराज हुसैन के साथ वर्ष 2016 में की थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद सल्तनत के साथ दहेज को लेकर मारपीट शुरू हो गई। इस पर सल्तनत ने बीते 28 अप्रैल 2019 को पुलिस को तहरीर देकर दहेज उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके 5 माह बाद सल्तनत ने 23 सितंबर 2019 को मारपीट, गाली गलौज, छेड़खानी समेत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। दोनों मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिसके कुछ दिन बाद पति पत्नी में बातचीत से रजामंद हो गए और साथ में किराए का कमरा लेकर कुंडा में रहने लगे। महिला का आरोप है कि बीते 4 जनवरी 2022 को पति मोहम्मद मेराज हुसैन ने चोरी छिपे फतेहपुर के खागा में दूसरी शादी कर ली। जानकारी होने पर जब वह पति के साथ पहुंची तो पति मेराज ने उसके साथ मारपीट करते हुए 3 तलाक बोलकर तलाक दे दिया, जिसके बाद ससुराली जनों ने घर से निकाल दिया। सल्तनत ने मामले की तहरीर पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसका आरोप है कि उसके ससुर हमीरपुर के मौदाह थाने में दरोगा हैं, जिनके दबाव में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। फिलहाल उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद सल्तनत की तहरीर पर पुलिस ने पति मेराज हुसैन, दरोगा ससुर मुजम्मिल हुसैन, सास शाहीन बेगम, ननद मोनी सीबा, वकार हुसैन उर्फ फौजी, मोहम्मद समीम व अब्दुल कलाम के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज व 3 तलाक समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अगली खबर जठवारा थाना इलाके से है, जहां पर लाइनमैन से मारपीट व अभद्रता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज विद्युत कर्मियों ने आपूर्ति ठप कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे क्षेत्र की आपूर्ति बाधित रही। जठवारा थाना इलाके के विद्युत उपकेंद्र जठवारा में तैनात संविदा कर्मी लाइनमैन हरकेश विश्वकर्मा पुत्र राम लखन विश्वकर्मा, शमशेरगंज फीडर के सराय लोहंगराय गांव निवासी जगन्नाथ प्रसाद यादव पुत्र राम निवास यादव द्वारा लिए गए विद्युत का नया कनेक्शन जोड़ने गया था, जहां पर गांव के मोहम्मद रशीद पुत्र भुल्लर समेत 2 अज्ञात व्यक्ति पहुंचे और लाइनमैन को कनेक्शन जोड़ने से मना कर दिया। यही नहीं, करीब 22,000 के 130 मीटर विद्युत केबल भी खोलकर उठा ले गए। जानकारी होने पर जेई शैलेंद्र कुमार यादव मौके पर पहुंचे और खोले गए केबल को वापस करने की बात कही, लेकिन उक्त लोगों ने केबल देने से इनकार कर दिया। साथ ही जेई से मारपीट पर आमादा हो गए। मौके के हालात को देखते हुए जेई विद्युत कर्मियों के साथ लौट आए और मामले की तहरीर पुलिस को दी, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज विद्युत कर्मियों ने विद्युत उपकेंद्र जठवारा से जुड़े सभी फीडरों की आपूर्ति ठप करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान जठवारा पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। संविदा कर्मियों ने कहा कि जब तक दबंगों के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई नहीं करती, तब तक फीडर से जुड़े किसी भी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं की जाएगी। अगली खबर हजुआ थाना इलाके से है, जहां पर चुनाव प्रचार करने गए सपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
मानीपुर थाना इलाके के अहमासभा ऊंचे गांव निवासी जितेंद्र कुमार सोनकर पुत्र राम निवास सोनकर सोमवार को गांव के कुलदीप यादव पुत्र नन्हेलाल अपिन यादव पुत्र राम नारायण यादव व कुसाहिल डी गांव निवासी राकेश यादव पुत्र राम आश्रय यादव के साथ बोलेरो गाड़ी से हजुआ थाना इलाके के नरसिंहपुर गांव गए हुए थे। जितेंद्र का आरोप है कि गांव में घुसने से पहले आधा दर्जन की संख्या में खड़े लोगों ने सपा का प्रचार करने का आरोप लगाते हुए बोलेरो सवार लोगों को जमकर मारा पीटा, साथ ही तमंचा सटाते हुए दोबारा गांव में प्रचार न करने की नसीहत दी। पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस को दी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। उधर प्रचार से रोकने की जानकारी होने पर सीओ कुंडा अजीत सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना की बाबत जानकारी ली। अगली खबर मानिकपुर थाना इलाके से है, जहां पर पुलिस ने गांजा संग युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजने का दावा किया है, जबकि इसी युवक को एक दिन पहले बाइक चोरी कर भागते समय लोगों ने पकड़कर पीटने के बाद पुलिस के हवाले किया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। मानिकपुर पुलिस ने सोमवार को करीब 11 बजे रहमत अली कपूरवा मोड़ के पास से एक युवक को 1 किलो 100 ग्राम गांजा संग गिरफ्तार कर जेल भेजने का दावा किया। गांजा संग पकड़ा गया संग्रामगढ़ थाना इलाके के स्थानीय बाजार निवासी प्रदीप कुमार गुप्ता बताया गया, जबकि नगर में इस बात की चर्चा रही कि रविवार को ज्वाला देवी मंदिर पर दर्शन करने गए बभनपुर मोहल्ले के रहने वाले एक युवक की बाइक यही युवक लेकर भाग रहा था। जानकारी होते ही लोगों ने दौड़ाकर दबोच लिया और पिटाई कर पुलिस के हवाले किया था, इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। नगरवासियों की माने तो पखवारे भर पहले नगर पंचायत कार्यालय के पास से एक युवक की बाइक चोरी की गई। शनिवार को अंतमऊ गांव निवासी प्रभाकर चंद की बाइक मानिकपुर स्थित उसकी दुकान के सामने से गायब हो गई। पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन अभी एक भी बाइक चोर नहीं पकड़े गए। वहीं लोगों ने बाइक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया तो पुलिस ने उसे गांजे के साथ जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। अगली खबर आसपुर दोसरा थाना इलाके से है, जहां के एक युवक समेत 3 लोगों की सुल्तानपुर में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। आसपुर दोसरा थाना इलाके के सैफाबाद श्रीनाथपुर गांव निवासी अभिमन्यु सिंह पुत्र अरुण सिंह लखनऊ में बुक डिपो चलाते हैं। रविवार की सुबह वह लखनऊ के जानकी गार्डन निवासी आदित्य कोठारी व पंकज कश्यप के साथ सुल्तानपुर जिले के कादीपुर तहसील क्षेत्र में एक शादी समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार से जा रहे थे। अभी वह सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना इलाके के पूरे बाहर के पास एक्सप्रेसवे हाईवे पर पहुंचे थे कि तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस दौरान कार में आग लग गई, जिसमें जलकर कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। अगली खबर खेल से जुड़ी हुई है। ग्रास रूट हॉकी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अनवर हॉकी सोसाइटी प्रतापगढ़ ने रायबरेली स्टेडियम की टीम के साथ अभ्यास मैच खेला, जिसमें दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और दर्शकों का मन मोह लिया। अभ्यास मैच की श्रृंखला सोसाइटी के अध्यक्ष पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अनवर खान के मार्गदर्शन में शुरू की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कुमार और ग्राम विकास संस्थान के प्राचार्य शिव प्रसाद ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। सोसाइटी के सचिव खुर्शीद अली ने अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के प्रतिष्ठित ENT सर्जन डॉक्टर आलम ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन किया और यह आश्वासन दिया कि सोसाइटी के सभी खिलाड़ियों को मुफ्त चिकित्सा सेवा देंगे। रायबरेली स्टेडियम के हॉकी कोच संतोष कुमार, पूर्व वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार एवं प्रतापगढ़ की जिला क्रीडा अधिकारी पूनम लता राज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर अजीम खान, पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अमजद खान ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।